हेलो गाइस, आज हम लोग पूरा ब्लॉगिंग पर निकल चुके हैं जिसमें फर्स्ट व्यू पैंट पहनते हुए अमित भाई। देखिए यहाँ पर बच्चन भाई, कुछ बोलिएगा भाई। बच्चन भाई, हम लोग रेडियो स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग निकले हैं ब्लॉगिंग के लिए। तो कुछ नज़ारा हम लोग नेचुरल का, ओह यहाँ माइक भी है, सॉरी माइक का यूज़ नहीं कि कुछ देर बाद माइक का यूज़ करते हैं। और हेलमेट लग चुका है, इसमें कैमरा तो नहीं है, हम लोग मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी गोप्रो नहीं लिए हैं, दिस इज द फर्स्ट व्यू हम लोग का है, ठीक है। तो आप लोग हर एक वीडियो शॉर्ट बाय शॉर्ट आप लोग को दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, एक छोटा सा व्यू हम लोग का पूरा छत का है। यहाँ पर सब कोई रेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा छत का व्यू भी देख लेते हैं। ये पूरा है हम लोग का छत का व्यू है, इसके साथ पूरा ये जमुई इलाका, ये जमुई टाउन। ये हम लोग का नीचे का फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर ये है, ये पूरा जमुई। हम लोग डैम की ओर चल पड़े हैं, ये हम लोग को उस जगह पर भी पहुंचना है। तो उस जगह जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, 10 किलोमीटर है हम लोग को उस जगह से। तो हम लोग उस साइड के लिए निकल चुके हैं, कुछ परेशानियां आ चुकी हैं हम लोग में, पेट्रोल बहुत कम है अमाउंट में। अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ तो हम लोग को ठेल के लाना पड़ेगा। तो लास्टली हम लोग फाइनली हम लोग अपने डैम पर पहुंच चुके हैं, अपने डैम पर पहुंच चुके हैं। तो फिर यहाँ पर नज़ारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर कुछ कुछ आपको बता देंगे डैम के बारे में, इसको हमें क्या कुछ कुछ तो कुछ हम यहाँ पर लोकल से भाई साहब है, उन लोग से बात करेंगे। देखिए कितना अच्छा है। सर आप लोग यहीं से क्या? तो यहाँ कुछ बार बताइए, ये डैम कब बना होगा? तो क्या अभी यहाँ से मतलब ज़्यादा पानी ओवरफ्लो होने बाद क्या इस साइड आ सकता है क्या? तो क्या कुछ गांव में कुछ दिक्कत वगैरह होगी, ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो गाँव में? क्या ज़्यादा फ्लो तो नहीं होगा क्योंकि डिवाइड हो चुका है तीन जगह में। मतलब ये जो ये हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये डिवाइड हो गया तीन जगह में, इसका रीज़न क्या? एग्रीकल्चर यूज़र में यूज़ होता है क्या चीज़ में? वाह ऐसी बात है ना। कुछ तो कुछ हम नीचे आने के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पर दो गो बैरियर है। बैरियर काम क्या होता है कि पानी को स्टोर करना, मतलब हो सकता है यहाँ पर हम पानी को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पानी बंद करने के यूज़ होता है, थोड़ा सा वो फ्रंट से दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से भी पानी आ सकता है, पानी आने की जगह यहाँ से भी है। ये ऊपर लॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, इसको ऑफ एंड ऑन ये काम करता है।
ये इतना बड़ा बड़ा नाला है, नाला तो नहीं बोल सकते, ये बोलते पानी को फ्लो करने के यूज़ होता है। देखिए अगर ज़्यादा और पानी बढ़ जाएगा तो पानी को इस साइड से भी हम फ्लो करा सकते हैं। ये सारा जो नाला ये देख रहे हैं नाला टाइप का है, ये एक नाला नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ किया जाता है। हर एक तीन जगह से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हर एक पार्ट में से भेजा जाता है। ठीक, अब ये खूबसूरत सा नज़ारा है, देखिए कितना ऊंचा से बन के है, मतलब बना हुआ है कि हाई फ्लो वाटर होके वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद यहाँ पर पानी थोड़ा सा स्टोर होगा, ज़्यादा पानी नहीं स्टोर होने पर तो वो ये गांव में फैल जाएगा, तो इससे ज़्यादा उतना दूर फैलने पाता है ऐसा हम लोग गांव वाले से पूछे, लेकिन उतना दूर फैलता नहीं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ये कनेक्शन बना हुआ कि एग्रीकल्चर यूज़ में यूज़ होने के लिए, तो उतना ये हो नहीं पाता है। अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया गया है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर उतना ज़्यादा अमाउंट में पानी को स्टोर नहीं कर सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता तो ज़रूर बड़े बड़े हमको डैम दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर टर्बाइन होता है, यूज़ होता है, यहाँ पर वैसा टर्बाइन नहीं है। लेकिन बस यहाँ पर खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत अच्छा दिखाई मिलता है, यहाँ पर घूमने की जगह बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आप किसी को नज़ारा दिखा सकते हैं। तो हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, दिल की धड़कने और स्पीड होते रहे क्योंकि इसका डेप्थ कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। कम से कम 2 मंजिले ऊपर हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, गलती से कुछ होगा, मेरा तो पैर फंस जा रहा भाई। अब आराम से चलते हैं, एक गलती काम कर चुके हैं। अब इतना छोटा सा एरिया में दिखाई तो नहीं पड़ रहा, अगर गलती से इधर से उधर हुए मरेंगे तो ज़रूर नहीं, लेकिन पैर जरूर टूट जाएगा। तो थोड़ा सा बच के चलते देख लीजिए किस एरिया में हम लोग हैं, कितना डेप्थ है यहाँ से। तो पहले हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा गलती होगा गिर जाएंगे। और थोड़ा सा कुछ नज़ारा डैम की ओर पानी की ओर अब दिखाएंगे आप लोग को, यहाँ से नीचे उतर उतरते हैं। ये दादाजी देखिए, अब उसके बाद हम आप लोग को बताने आ चुके हैं, डैम के बीच में आ चुके हैं, यहाँ से ऊपर का नज़ारा, यहाँ से डाउन का नज़ारा। आने के बाद चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है, दिख रहे हैं आप लोगों को। इसमें कुछ पॉइंट जाने की जरूरत तब ज़रूरी है, यहाँ पर देखिए कुछ मेज़रमेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए 100, 401, 402, 403, मतलब कितने हाइट पर हम लोग खड़े हुए हैं, पानी कितना स्टोर कर सकता है इस डैम में। ज़्यादा पानी अगर स्टोर होगा तो यह फ्लो होकर के वहाँ से निकल जाएगा। अगर इस डैम में कम पानी हो और एग्रीकल्चर में यूज़ करना हो तो छोटा सा देख रहे हैं वो कुआँ है, वो उस कुएँ के माध्यम से अंडरग्राउंड एक कनेक्शन है, कनाल है, जिस हिसाब से मतलब जिस कारण वो एक इस डैम से ट्रांसफ़र होकर के एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वो आपका वहाँ पर है जहाँ पर देखिए रवि जी खड़े हैं, आपको नज़दीक पास आकर आपको दिखाते हैं। हाँ, बहुत थक चुके हैं हम, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा ताकत तो लगता ही लगता है। तो अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में पानी ओवर हो के फ्लो होने लगता है, तो वो इस जगह से डैम से पानी ज़्यादा ऊपर फ्लो होने लगा तो इस जगह हो करके ये इस जगह फ्लो होती है। आपको उस टाइम पीछे वीडियो में थोड़ा सा बैक में दिखाए होंगे, ये वही जगह है जहाँ आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ से ये फ्लो होती है वाटर। तो आपको यही चीज़ दिखाना था आज, में हम लोग दिखाए हैं ये पहला वीडियो मेरा, कैसा लगेगा कुछ बता दिए ज़रूर। नज़ारा तो बहुत अच्छा है यहाँ का, पहाड़ वहाड़ का। ओके, और उस डैम में कुछ कहा जाता है, अगर आप अपना प्यार का इजहार करना चाहते हो तो इस डैम के पास उस अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो। यहाँ पर देख रहे हैं मुस्कान, तुम मेरी जान हो, पूजा, प्रिया, सारा का नाम यहाँ लिखा हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ लिखा हुआ है, मतलब जिससे अपनी गर्लफ्रेंड मतलब पाना चाहते हैं तो इस डैम में अपना नाम लिख दें, वो जरूर जरूर जाएंगे। तो लास्टली हम लोग का वीडियो हो सकता है यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को शाम होने चला है तो घर की ओर भी जाना ज़रूरी है। तो लास्टली हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर हम लोग का वीडियो ख़त्म करते हैं। क्या अमित भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप क्या? जी नहीं सर, बहुत ही मज़ा आया डैम घूमने में। चलो ठीक है, तो सोच रहे क्या चीज़ बोलना है।
चैनल को सब्सक्राइब करें। ओह सॉरी, इस चीज़ से बोलना भूल गया मेरे चैनल को। हाँ बोलिए रवि जी। फाइनली बहुत ही मजा आया डैम घूमकर, अब लोग वापस घर की ओर जा रहे हैं। चलो हाँ, प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे प्रभात भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मीडिया बॉय थैंक यू। चलो ठीक है भाई। हो गया भैया जी।